एक है जुबैदा, ये छोटी वाली है, और ये है खतीजा। सर पढ़ाई स्कूल में जाते ना वहीं पढ़ते थे, यहाँ पर तो लाइट नहीं है। और इनकी मम्मी है जिनके ऊपर पूरा का पूरा भार है, क्योंकि इनके फादर अभी कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गए। लेड चार्ज कम होती है सर, कोई धर्म, जाति, पंथ या संप्रदाय नहीं देखता, मैं देखता हूँ खाली इंसानियत। कभी बंद हो जाती है कभी होती है, फिर ऐसे ही बैठना पड़ता है। सर भैंस का दूध निकालते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कभी किसी ने लेट नहीं दिया, आपने लेट दी। थैंक लोग हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यू भैया, आपने हमारी मदद की। और लेट लूट वगैरह कुछ नहीं दिया आपने, पहली बार दिया हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये सिस्टर्स हैं, आप इनसे पहले ही मिले हैं। एक है जुबैदा, ये छोटी वाली है, और ये है खतीजा। खतीजा थोड़ा आगे आओ। तो खतीजा पहचाना मुझे? यस सर। कब आया था मैं? पहला आया था। अच्छा, उस टाइम आपने क्या बोला था कि क्या समस्या है? लाइट की। लाइट की है कि चार्ज नहीं होती, कम होती चार्ज। हाँ। सूरज की समस्या है, लाइट नहीं मिल पाती, कम कम आती है सूरज की वजह से। हाँ, तो रात को कैसे कैसे तुम करते थे फिर, आप क्या करते थे रात को? कभी बंद हो जाती है कभी होती है, फिर ऐसे ही बैठना पड़ता था। हाँ, तो जैसे आप पढ़ने का मन करता था तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती रही होगी, है ना, वो समस्या थी। और आप अभी जो आपने बताया था ना, आप वो रेसिंग वेसिंग करते हो, यस सर। उस बात कुछ करा था? नहीं करा होगा ना। हाँ, यहाँ पे दूसरी है, इनका नाम है वो जुबैदा। जुबैदा बताओ कि क्या क्या समस्या आती थी यहाँ पे आपको लाइट के बिना, कैसे कैसे करते हो? मतलब सर नहीं, भैया बोलो। भैया पानी, पानी की वजह, पानी भी गंदा साफ नहीं है, दूर से लाना पड़ता है। अच्छा, रात को जैसे अंधेरा हो जाता है, लाइट तो है नहीं यहाँ पे, खंभे वाली लाइट दे रखी किसी ने? नहीं दे रखी ना। नहीं। तो जैसे तुम अभी तुम क्लास स्कूल जाती ना तो? हाँ, तो तुम पढ़ाई के लिए क्या करती थी फिर? सर पढ़ाई स्कूल में जाती ना वहीं पढ़ते थे, यहाँ पर तो लाइट नहीं है। यहाँ पे लाइट नहीं है, स्कूल में पढ़ना पड़ता था, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। दिन में कोई टाइम मिलता था पढ़ाई का? नहीं, नहीं काम होता है सर। काम होता है, क्या क्या काम करते हो आप दिन में? सर भैंस का दूध निकालते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पानी लाते हैं, पानी लाते हैं, कुराल डालते हैं भैंसों का। काम करते हो दिन भर ना, दिन में व्यस्त रहते हो दिन भर, आप टाइम ही नहीं मिल पाता। तो जैसे स्कूल तो आज ही गए आप? नहीं सर। क्यों? तबीयत खराब, खांसी हो रही थी। कौन सी क्लास में हो आप? एट। अच्छा, एट्थ में हो आप, अभी दो दिन तो छुट्टी ही है। हाँ, आपने तो स्कूल छोड़ ही दिया है, आपने तो स्कूल छोड़ दिया। तो मैं आपके लिए लाइट लेके आया हूँ अभी फिलहाल, जिससे क्या होगा कि आपका जो है ना थोड़ा, मैं तो बहुत ज्यादा तो हेल्प नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। फिर रात को अगर लाइट रहेगी तो आप मेरा खाना बनाना हो, है ना, थोड़ी देर खाना बनाना हो, लाइट में खाना खाना हो, खाना हो। याद करते थे आपके भाई? आया नहीं भाई, बोला था आया नहीं दोबारा। मैंने बोला था ना मैं लाइट का प्रबंध आपके लिए करूंगा, है ना, बोला था ना। तो मुझे वही था, मेरे का एक जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, क्योंकि आपको खास जरूरत है, है ना। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, मैं फिर से आया हूँ एक ट्रैवल फैमिली के पास, और उसी प्यारी फैमिली के पास जिसके पास मैं ऑलमोस्ट 2 महीने पहले भी आया था। तो उस टाइम यहाँ पे मुझे मिली थी खतीजा जुबैदा, जिसका आपने देखा होगा वीडियो, जिसने गोल्ड मेडल दिखाया था आपको कि इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनकी मेन समस्या जैसे पता ही आपको लाइट और पानी की तो है, लेकिन तो इनकी जो मेन समस्या वो होती है लाइट की। जैसे इन बहनों ने मुझे बताया था कि भैया हमको ना लाइट की बड़ा इश्यू होता है, कि जंगल में रहते हैं तो काफी सारे, आप जंगल में रहें तो पहले ही बहुत बड़ी दुश्वारियां हैं, पशु पक्षी सांप के क्या नहीं होता जंगल में। प्लस इनका जो पढ़ाई का है, अगर ये बच्चे पढ़ने भी चाहें, छोटी छोटी बहनें हैं, अगर ये पढ़ना भी चाहें तो पढ़ें कैसे, दिन भर काम होता है, रात को अगर थोड़ा बहुत मन करे थोड़ा अपने लिए समय निकाले तो फिर लाइट नहीं होती, और लाइट होगी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटे चलेगी, 1 घंटे चलेगी, उसमें खाना बनाना, खाना खाना, सब कुछ सारी प्रक्रिया जाए उसमें होती है। प्लस अगर रात को वॉशरूम जाना, कि वॉशरूम तो यहाँ पे है नहीं, टॉयलेट की सुविधा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो जंगल में जाना पड़ता है। अब रात को कुछ भी हो सकता है किसी को, अब जंगल जाना है तो टॉर्च भी चाहिए, अब फोन से कितना करेंगे, ये अपना जो दैनिक कार्यकलाप जो होता है। प्लस अभी मेरी एक इनकी मम्मी से मेरी बात हुई, तो वो बता रही थी कि हमका फोन चार्ज करने बहुत दूर जाते हैं ना, बहुत दूर जाते हैं, वहां से चार्ज करके फिर यहाँ पे बच्चे लेके आते हैं, मतलब जहाँ बच्चों का स्कूल है वहां ये चार्ज करने जाते हैं, फिर वहां से जो है घर लेके आते हैं। तो ये जो मैं उनको लाइट देने वाला हूँ, इसमें पूरी फैसिलिटीज है कि अपना फोन का बैटरी चार्ज भी उसी में कर पाएंगे। तो ये चल रहे, मिलते हैं इन फैमिली से और बात करते हैं खतीजा और जुबैदा से। फ्रेंड जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं इनकी मम्मी, बच्चों की मम्मी, नाम बता दो एक बार अपना। मसर बीबी।
मत्सर बीबी है इनका नाम। और मत्सर बीबी जी, तो आप बताइए, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है परिवार की, तो किस तरह से आप उनको मतलब क्या कैसे कैसे करते हैं जिम्मेदारी पूरी? बस ऐसे जिम्मेदारी, क्या क्या जिम्मेदारी करें या क्या करा है, बस जैसे नवाना हो तो नवाना ही है। है तो है ये, नवाना तो है ये। अब बच्चे ये थोड़ी, मैं तो ये समझे, जो बच्चे पढ़ जाए थोड़ा तो ठीक है, नहीं तो कैसे क्या जिम्मेदारी, कब तक मैं जिम्मेदारी लूंगी इनकी? अब पता तो है नहीं टाइम का, जो कब टाइम आ सके। बच्चे तो अभी छोटे ही है, छोटे हैं। बच्चों को पालना पोसना ही बड़ी वो है ना, बड़ी मुश्किल से है। बस क्या है, डंगरे का काम है और खेती बाड़ी नहीं है हमारे पास, और इतने पैसे नहीं जो हम जमीन खरीद ले। जमीन खरीद ले, हाँ, इतने पैसे नहीं है हमारे पास भाई। डंगरों जो कमा लिए तो और खा लिए बच्चों ने, कमा लिए तो बस यही है। और तो बाकी जैसे कुछ राशन कार्ड वगैरह कुछ बना? हाँ ऐसा है, राशन कार्ड बना, राशन मिल जाता है? हाँ मिल जाता है राशन। अच्छा, जैसे मेडिकल, जैसे दवाई दवाई लानी हो तो आपका कुछ ऐसा कुछ है जो सरकार से कुछ फ्री दवाई मिल जाती है इस तरह से? ना ना, फ्री फ्री कोई नहीं मिलती। जाते हैं आप सरकारी अस्पताल? हाँ, जाते हैं, जाते हैं। ऐसे जैसे जो गर्भवती हो ना, ऐसे जाते हैं हॉस्पिटल, जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं, ये दो छोटी छोटी बहनें यहाँ पे हैं, और मैं इसलिए आपको कह रहा था कि मैंने कुछ फैमिली सेलेक्ट की हैं, और सेलेक्ट इसलिए की हैं कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको ज्यादा जरूरत है। जैसे मैं इस फैमिली के पास आया तो इस फैमिली के तीन चार, आप कितने भाई बहन हो? छह, तीन भाई तीन बहनें हैं, और इनकी मम्मी है जिनके ऊपर पूरा का पूरा भार है, क्योंकि इनके फादर अभी कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गए। तो बहुत ही दुखी खबर है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी जिम्मेदारी हैं। तो एक इनकी मम्मी है जो बड़ी है यहाँ पे, सिस्टर है, उनके ऊपर पूरी कंधों की पूरी जिम्मेदारी है। तो किस तरह से वो पूरा वहन कर रही है अपना बच्चों का खर्चा निकालना, उसके साथ स्कूल में पढ़ा रही हैं, खर्चा दे रही हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी क्या क्या नहीं होता, सब बहुत सारे खर्चे होते हैं, तबीयत खराब होती है, मेडिसिन होती है, हर मतलब पैसा तो चाहिए चाहिए, मतलब जिम्मेदारी तो है ही है कंधों पर। तो फिर मुझे यही था यार कि एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मैं कर पाऊँ तो काफ़ी, मतलब मेरी तरफ से काफ़ी होगा। अगर भगवान ने चाहा कुछ और बड़ा कुछ करने का मेरे लिए, मुझे अगर उसने जरिया बनाया तो होना हो मैं कि उनकी और मदद करूं, इन जैसों की और मदद करूं। और दूसरी बात, मैं कोई धर्म जाति पंथ या संप्रदाय नहीं देखता, मैं देखता हूं खाली इंसानियत। अगर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसको भी ज़रूरत है तो पहले वो देखना चाहिए। धर्म अजम बात की बात है ना। मैं ये कहता हूं, ये बहुत बड़ा कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन एक बड़े काम की शुरुआत ज़रूर है। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं ये है सोलर लाइट, ये जैसे आप देख रहे हैं, मैंने आप बाकी वीडियो आपने मेरे देखे होंगे, मैंने काफ़ी लोगों को भी लाइट्स दी हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे फ्रेंड जो कि दुबई से हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं करते तो शायद ये काम शुरू भी नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच भाई आपका इतना बड़ा हेल्प करने के लिए। तो फ्रेंड, जैसे लाइट है ये मैं अभी इनको दे रहा हूँ, खतीजा को दे रहा हूँ, लीजिए खतीजा, और मैं अभी इनको दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है, फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। और को क्या बोलना चाहोगे? कभी किसी ने लाइट नहीं दिया, आपने लाइट दी, और नहीं तो काम तो कर लेंगे। अच्छा, आप क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू भैया, आपने हमारी मदद की, और भी बहुत लोग आते हैं वो कुछ मदद नहीं करते, आपने पहली बार मदद, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। अब बताओ कौन सा गाना गाओगी? बस बोलो 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 सर, आते नहीं सर, नहीं भैया भैया बोलो भैया क्यों नहीं आता? आता है आपको, बोलो बोलो। सुना दो, थोड़ा सा दो लाइन सुना दो, शर्माने वाली बात क्या इसमें? तब तक वो याद करेगी कौन सा गाना, उसको कौन सा गाना सुनाएंगे तो याद करेगी, है ना? याद कर, तब तक सुनाओ, सुनाओ, वो सुनाएगी, वो भी सुनाएगी, वो भी सुनाएगी, बेटा आप सुनाओ। अरे बच्चे फोन पे तो सुनते होंगे। हाँ, फोन पे सुनते हैं, फोन पे सुनते हैं। अपने गाते, पहले तो हम जंगल का काम करते थे तो गाने गाते थे, पानी को गए तब भी, लकड़ी को गए तब भी गाने गाते थे, अब घास को गए तब भी गाने गाते थे, अब बच्चे के जाते ही नहीं, गाते नहीं, गाते नहीं। अच्छा, ये सुनाएगी, इसने उस टाइम सुनाया था शायद, मुझे लगता है इसने तो प्रातः सुनाई थी, सुनाओ फिर। छोटे ही चंगे लग दे, छोटे बाल रखिया कर, मेरा तू ही टूटा है, तू अपना ख्याल रखिया कर।
इतना ही? अभी तो यार नेहा कक्कर का गाना ही है, बहुत बड़ा लंबा गाना है तो, है ना, है ना। अच्छा बताओ बच्चों यहाँ पे रहते हो, खेलते कूदते हो यहाँ पे, कुछ क्या खेलते हो आप लोग? झूले झूलते हैं। आप खेलते कूदते कहाँ हो, आप कहाँ जाते हो खेलने? यही खेलते थे। क्या खेलते हो? कबड्डी, खो खो, झूले झूलते हैं। अच्छा और भी खेलते हैं? झूला भी झूलते हैं। तो कबड्डी के लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, बहुत सारे बच्चे चाहिए होते हैं। बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं शाम को कटे। शाम को जाते कटते हैं। आपकी उम्र के भी होंगे कुछ 14-15 साल के, सब मिल के मजा आता है यहाँ पे, है बहुत बच्चे। वैसे अच्छी बात भी है ना बहन जी, यहाँ पे सब आप लोग इकट्ठे हो, अपना आपका अपना ही एक देश है, अपना ही शहर है आप, एक अपनी जिंदगी है अलग से, है ना। अब बच्चे बच्चों का सबसे बढ़िया है, अभी खुला मैदान है। बताओ शहरों में क्या दिक्कत है? शहरों में सब कुछ है लेकिन खेलने का कुछ नहीं है। अब बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बिल्डिंगों में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, कमरे के अंदर खेल रहे, मोबाइल खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि पेड़ पौधे क्या। उनको तुम बोलोगे ना यहाँ पे कि गाय है कि भैंस है, बोलेगा पता नहीं क्या है, पता ही नहीं उनको कि गाय क्या होती है, भैंस क्या होती है, कुछ पता नहीं। बकरी क्या होती है उनको नहीं पता, क्योंकि वो रहते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, जो हाथी आते हैं तुम कैसे रहते हाथी, हमारे को तो आज तक हाथी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करा। जब वो नुकसान ही पहुंचा के तो क्यों करेगा? नहीं कुछ नहीं, हम तो जंगल में रहते हैं, हाथी भी जंगल में रहते हैं, हमारे को तो कुछ कहा ही नहीं आज तक। वही तो, वही तो। और दूसरी बात ये ना मैं बता रहा था, जैसे आप लोग बच्चे हो ना, आप खुले कैसे रहते हैं, मकान में कैसे रहते हैं? तो हम तो अकेले भी रहते, शहर में तो हम रहते नहीं। वही बोले, उनको भी लगता होगा यार कि हमारे भाई बहन है ये बेचारे भी जंगल में रहते हैं, हम भी जंगल में रहते हैं, तो इसलिए आपको कुछ नहीं करते, प्यार करते हैं आप लोगों को, है ना, है ना। आप भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उनको अब जो बाहर के लोग आते हैं तो बंदूक लेके आते हैं मारने वाले, कैसे हैं, क्या सोच क्या है, तो पता जो कैसे उनसे बचना होगा, हाँ कैसा होगा। और शहर के लोग आगे उनका क्या पता जो कैसे कैसे बचेंगे, हाथी से, जानवर से कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे। तो हमारा तो ऐसे ही गुजर गया ना, हाँ। जंगली में गुजर गया ऐसे ही बस। तो जैसे बच्चे हैं ना, तो बच्चे मैं आपको बता रहा था ना कि वो बड़े बड़े बच्चे रहते हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों के बच्चे, वो बिल्डिंग में रहते हैं या मोहल्लों में रहते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ ग्राउंड ग्राउंड कुछ नहीं होता, ग्राउंड जमानते हो मैदान मैदान, तो बेचारे अपने छत पे खेल रहे हैं। आप लोगों को तो इतना अच्छा, आपको इतना देखो कितना बड़ा मिला हुआ यहाँ पे मैदान मिला हुआ, और साथ साथ सारे के सारे बच्चे यहाँ पे हैं, है ना। तो भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप सब कंबाइंड होके खेलते हो, ये भी मतलब आपको ना दुखी नहीं होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। दुखी किस बात का, मतलब किसी को भी, मैं मुझे भी दुखी नहीं होना चाहिए हर इंसान। अच्छा अभी बच्चे छोटे छोटे हैं तो आपके क्या मतलब, अभी शादी का तो होगा नहीं, अभी छोटे ही अभी है, अभी तो छोटे ही है, अभी तो ये जबैदा और ये दिलशाद ये पढ़ रहे हैं अभी, अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो ये सोच रहे जो अभी तो पढ़ेगा तो वही बढ़िया है। अब मैंने तो जैसे भी नवा लिया, उसका पापा ने नवा लिया, अब वो भी चले गया, अब ये पता नहीं कैसे होगा, जो पढ़ लेगा तो थोड़ा खाने पीने का, अब जीने तो देते नहीं कोई लोग, कौन होता, कोई नहीं जीने देता, कोई ऐसा नहीं है जो दूसरा होगा तो वो इनको खाना दे देगा। सही बात, सही बात। अभी तो अपने सिर में जिम्मेदारी वही है ना, आपके उस पर पूरी जिम्मेदारी है। जैसे बच्ची थी, इधर आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। जैसे खतीजा है, तो मैंने पिछली बार जो आया था तो मैंने इसके बारे में काफी इसने बताया था कि मैं दौड़ती हूँ, मेरे को मेडल वेडल है, तो आपको ये लगा कि भाई करना चाहिए बच्चों के लिए कुछ आगे, जैसे करना? हाँ सोचा मैंने, बहुत सोचा, तो सोचने के बाद बस ऐसे ही हो गया, अब उसका भी हो गया, मेरा भी मन ऐसे ही हो गया, अब कैसे बच्ची को आगे पढ़ाऊं या कैसे नहीं है, फिर घर की कमजोरी भी हो गई, इस वजह से पढ़ आ ही नहीं सकी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे बच्चे जैसे ये दौड़ती है तो सरकार क्या करती है, जैसे जो बच्चे दौड़ते हैं बाद में सरकार उनका पूरा खर्चा उठा लेती है, और जब अगर आपका कोई अच्छा मेडल आ गया ना तो नौकरी भी दे देती है सरकार। हाँ। तो सोचो अगर इसकी नौकरी लग गई, सोचो अगर आप, कितना बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बड़ा काम है, वो तो सोचते हैं जैसे जितने हम सोचते हैं ना, बच्चे भी ऐसे जो हमारा तो इतना नहीं, जो पापा होता उस पापा की वजह से जल्दी जाते थे पढ़ने, अब मेरे कहने से कुछ कम जाते हैं बच्चे, छोटे तो चले भी जाते हैं, अब लड़की को भेज नहीं सकती, अब पता भी जो पापा होता कुछ भी कर पाता वो, अब मैं अकेली बच्ची को भेजती हूँ, 16-17 साल की लड़की, अब मैं डोई वाला जाना पड़ता, दूर जाना पड़ता। अच्छा, डोई वाला जाना पड़ता। इंटर कॉलेज के लिए। उस वजह से मैं बच्ची को भेजती नहीं, अब ये जबेदा और वो जाता है दिल फाइव तक पड़ी हुई है, तो ये तो यहाँ तक है, जूनियर हाई स्कूल तो है यहाँ पे शायद। हाँ यही लच्छी वाले है, वो डोई वाले के नजदीक ही हो। अच्छा अच्छा। अच्छा अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो कोई पढ़ाई कोई तो पढ़ लोगे? हाँ पढ़ने को क्या, पढ़ने पढ़ाई को तो कुछ भी नहीं, पढ़ाई तो जितनी हो उतनी बढ़िया है। और ये जाना दूर है, जाने के लिए दूर है, और गाड़ी मिलती नहीं, गाड़ी पहले भी हमारे बच्चों को चोट लगी थी,
अच्छा हाँ, जैसे वार आना पड़ा ना यहाँ से तो चले जाते हैं, रोड पार करना, हाँ क्रॉस करना पड़ता तो बच्चे को चोट लग गई, बच्चे को चोट लगी हाँ, हाँ। फिर उस वजह से हम डर की वजह से हफ्ते में 2-3 बार भेजते हैं, दो बच्चों को भेजते हैं। अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। तो अभी आपको ये है कि घर पे ही काम करते होंगे बच्चे, और क्या करना, घर ही में काम करते और क्या करे, और कुछ नहीं करते। पहले आते थे हमालय वाले भी आते थे, ऐसे पढ़ाई पढ़ाई नहीं करते, वो अच्छी सी पढ़ाई नहीं करते। एक दिन आएंगे बस, हफ्ते में एक बार आते, बार बार नहीं आते, जो रोज आते तब तो है। अगर ये 8वीं तक पढ़ लेना उसके बाद प्राइवेट हो जाता है 10वीं और 12वीं। हाँ वो तो है, था प्राइवेट हो जाता है, है ना। 8 तक अगर पढ़ ले, 8 तक अगर कहीं चले जाए, 8वीं तक पढ़ ले अगर कहीं, ये उसका 9th और 12th। उसी वजह से मैं इस लड़की को पढ़ा रही, फिर ना ये पहले तो इसने भी थोड़ा छोड़ रखा था, अब मैंने सोचा 8वीं तक तो पढ़ी पड़ेगी। अच्छा हाँ, फिर उसी वजह से इसको पढ़ा रही हूं। अच्छी सोच है आपकी, आपने जो सोचा ना, बहुत अच्छी सोच। 8वीं 9वीं तक तो ये पढ़ी पड़ेगी। अच्छा जो हाँ, अब भाई ये इतनी समझ को, और उसको भी नहीं है भाई को, वो भाई भी सही है, भाई भी नहीं पढ़ते, भाई पढ़ रखा है 10वीं। 10वीं है, 10वीं। अच्छा अच्छा चलो, वो तो कहता है इनको जो पढ़ो, अब वो तो इनको दो बच्चे इनको तो भेजते हैं, अब इसको कह रहा है जो ये बहन को, इसको बड़े वाली को नहीं भेज। अच्छा। मम्मी हम मोबाइल ऐसे ही मोबाइल चल रहा। अच्छा। अब इसको आगे नहीं भेज। अच्छा तो फ्रेंड जैसा आपने देखा मेरी फैमिली से मिला, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हुई, और जब कुछ आप अच्छा काम करते हो ना दिल को बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी आज का ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव गैरला भाई को प्लीज प्लीज सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरी ये आज का ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम इनकी मदद करना चाहते हैं, हम इनकी मदद करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं खाली आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस भाई का इस वीडियो को शेयर करते हैं तो भाई ये बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि आप ही मुझे इस लायक बना सकते हैं कि मैं इन जैसे लोगों की मदद कर पाऊँ। बस आप बस मेरी खाली एक ही मदद करिए कि मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और मुझे इस लायक आप बना दीजिए मैं इन जैसे हज़ारों लोगों की अरमान पूरी कर पाऊँ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँ। अब वो होगा सिर्फ और सिर्फ जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे।